नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हमने मधुआ, जो जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ एक कहानी है, कहानी बाग का पहला कहानी, तो उसको हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे अब तक की कहानी देखिए कि इसका कहानी का शेष भाग जो अब तक हो चुका है उसको देखिए कैसे। ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ शराबी जो है रोजाना जाकर वहाँ पे कुछ कहानियाँ, कुछ इधर उधर की कहानियाँ सुनाकर उनको खुश करता है, जिसकी वजह से वो शराबी को कुछ पैसे देते हैं और शराबी उन पैसों से अपनी जो शराब पीने की लत है उसको पूर्ण करता है। लेकिन पिछले 7 दिनों से उसको कहानी सुनाने के लिए सरदार सिंह, ठाकुर सरदार सिंह नहीं मिले थे, आज जाके उसको मिले हैं तो वो खुश हो गए हैं और बातों बातों में ही सरदार सिंह को खुश करके उसने 1 रुपया हासिल कर लिया। इधर उधर की कहानियां सुनाकर या बातें करके, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया क्या है सुनाया कि। फिर 1 रुपया लेकर जैसे वो जा रहा था घर से बाहर, यानी कि ठाकुर साहब की हवेली से बाहर, तो ठाकुर साहब ने उससे कहा कि लल्लू को भेजते जाना। लल्लू कौन है? जमादार है, ठाकुर सरदार सिंह का जमादार नौकर है। और वहीं पे एक और किरदार आता है मधुआ। मधुआ कौन है? वो भी एक नौकर है, लेकिन छोटे बच्चा, जिस पर लल्लू और सरदार सिंह दोनों हुक्म झाड़ते हैं। तो यहाँ पे इसके रोने की आवाज, मधुआ की रोने की आवाज सुनकर शराबी रुक जाता है। बाद में उसको समाधान करने के हेतु, क्योंकि वो भूखा है, भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसको समाधान करने के हेतु उसको बाहर लेके आता है, अपने घर पर लेके आता है और वहां पे उसको पिछले रात या कुछ दिनों पहले खाकर बची हुई पराठे के एक टुकड़े को दे देता है खाने के लिए। बाद में उसको कुछ खाने के लिए लाने के लिए बाहर निकलता है इस इरादे से कि टोटल एक रुपया में 16 आने होते हैं और उस 16 आने में से 12 आने का वो शराब खरीदेगा और बाकी 2 आने में पहले वो क्या करेगा, पकौड़ी खरीदेगा और बाद में चाय, 2 आने का चाय लेगा। लेकिन बाद में वो कहता है नहीं नहीं, पकौड़ी के बजाय आलू मटर ले लेता हूँ। फिर बाद में सोचता है नहीं नहीं, 4 आने का मैं मासी खरीद लूंगा। फिर बाद में सोचता है इस बच्चे को क्या दूं, इसको क्या दूं, ये कितना खाएगा कुछ पता नहीं, यही सोच विचार करते करते वो आगे बढ़ता है। लेकिन एकदम से उसको देखिए चमत्कार कही है या कुछ आंखों के सामने अंधेरा कही है, छा जाता है और वो खुद को अपने आप को एक मिठाई की दुकान के सामने खड़ा हुआ पाता है और पूरे के पूरे 1 रुपये वो मिठाई और नमकीन खरीदने में व्यय करता है और सारा कुछ लेकर भागता हुआ कमरे में आता है और मधुआ के सामने सजा कर रखता है और कहता है कि सोंदी मांस, यानी कि जो ताजा मिठाई, ताजा नमकीन जो बना हुआ है उसकी सुगंध सुनकर लड़का एक तरह से खुश हो गया है। उसकी शरारत को देखकर यहाँ पे शराबी भी एक तरह से खुश हो गया है और आगे कहता है कि तू अभी रोना नहीं, वरना रोएगा तो मैं पीटूंगा। तो आगे देखिए क्या होता है। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया, मानो जैसे ये दोनों ऐसे थे कि कहीं बिछड़े हुए दोस्त हैं, कभी बिछड़े हुए दोस्त हैं, आज उनका मिलन हुआ है और दोनों मिलकर ऐसे जमकर खा रहे हैं मानो जैसे सालों से भूखे हो। और आगे देखिए, सीली जगह पे सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया। कुछ खुली जगह पे, सीली जगह की खुली जगह पे सोते हुए बालक ने क्या किया, मधुआ ने शराबी का एक पुराना कोट है बड़ा वाला, उसको ओढ़ लिया। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा, सोचने लगा,
सोचा था आज 7 दिन के बाद भर पेट पीकर सोऊंगा। 7 दिन के बाद पीने का मौका मिला था, 1 रुपया मिला था उसको, भर पेट पीने की बारी थी, लेकिन पता नहीं। लेकिन ये छोटा सा रोना पाजी, ये छोटा सा नटखट लड़का न जाने कहां से मेरे जिंदगी में आकर दबक गया, टपक गया, यानी कि आकर बस गया। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र और युवती को देखा, क्योंकि इतने दिन वो शराब की लत में, नशे की हालत में अपने कमरे में आता था, वही सोता था और आंखों में धुंधलापन रहने के अंदर ही कमरे से बाहर जाता था। उसको पता ही नहीं कि उसका कमरा कैसा है, लेकिन आज बिना नशे के खुली आंख से वो अपने आज कमरे को देखा, कितना गंदा है उसका कमरा, और देखा उस घुटनों से टूटी लगाए हुए निहीर बालक को, अपने इस गंदे कमरे को देखा और दूसरी ओर उस बालक को देख रहा है जो अपने घुटनों को, अपने इस दुटी को, दुटी यानी कि यहाँ पे मुंह का निचला हिस्सा, नेक कहते हैं उसको, उसको लगाकर सिकोड़ कर सोया हुआ। छोटे बच्चे हमेशा ऐसा ही सोते हैं, अपने घुटनों को मोड़ कर और अंदर लेकर इस तरह से सोते हैं, जैसे मानो पूरे एक फूल का एक कली है। और आगे देखिए, उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की थी? कौन ऐसे माँ बाप हैं, कैसे माँ बाप हैं, पता नहीं ऐसे सुंदर बालक को सड़क पर छोड़ दिया बेदर के ठोकरे खाने के। कैसे माता पिता होंगे, कैसे सृष्टिकर्ता होंगे वो हैं? और आगे, हाय रे निहति, तब उसको लेकर मुझे घर बार बनाना पड़ेगा क्या? आगे सोच रहा, हाय रे निहति, मुझे इसे लेकर घर बार बनाना पड़ेगा, मैं ठहरा शराबी, कहीं ना कहीं शराब के लिए थोड़े पैसे इकट्ठे करके शराब पीता हूँ, आज इस बच्चे के लिए मुझे घर बनाना पड़ेगा, गृहस्थी बनाना पड़ेगा, कैसी नियति है, है? दुर्भाग्य, जैसे मैंने कभी सोचा भी न था, मुझे ऐसे सोच का विचार भी नहीं आया था कि ऐसे कोई संकट आ जाएगी। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? आज तक मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, मेरा सारा प्यार, मेरा सारी ममता सिर्फ बोतल, शराब की बोतल पर थी, उसी को ही मैं महत्व देता था, लेकिन आज क्यों न जाने इस बालक ने वो सारे ममता को अपने कब्जे में ले लिया, मैं इस पर क्यों उतना प्यार लेता रहा? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने की पीड़ा उठाई है? ये क्या कर रहा है? एक ऐसा बच्चा है जो मेरे अंदर कुछ न जाने कैसी इंद्रजाल की भावनाएं उमड़ रहा है, मानो पैदा कर रहा है। पता नहीं चल रहा शराबी को कि क्यों उसके पक्ष में बैठा हुआ है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आम तो खोले। अंत में एक डिसीजन लेता है, क्या कहता है, क्या कोई काम करूं हैं? और कैसे करूंगा, काम तो आता ही नहीं, कई साल हो गए उसको काम को छोड़े हुए, शराब पीते हुए दिन गुजार रहा है, कैसे काम करेगा, इतने साल काम का कोई आता पता ही नहीं, तो कैसे भरेगी दोनों के पेट? इसलिए एक डिसीजन लेता है, नहीं इसको भगा देता हूं, जैसे मैं पहले था वैसे ही जी लूंगा, लेकिन इसको अपने पास नहीं रखूंगा। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा, सुबह हो गई, बालक अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख, तेरा नाम क्या है रे छोकरे? क्योंकि अभी तक शराबी ने उसका नाम नहीं पूछा, रात भर उसकी सेवा कर रहा है लेकिन उसका नाम नहीं पूछा, और उठते ही कह रहा है कुछ रात का बचा हुआ है, खा लो और यहाँ से
चलते बनो, तुम्हारा नाम क्या है, तब जाकर पूछ रहे हैं। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ, मेरा नाम क्या है, मधुआ। भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं और जाऊंगा कहां? तुमने कहा खा लो, क्या मुंह हाथ भी ना धोऊं, ऐसे ही खाने लगूं और जाऊंगा कहां, यही रहूंगा, ये प्रश्न उठता है। हाँ, कहां बताऊं उसे कि चला जाए, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि उसे चला जा कहीं दूर, कह दो कि भाड़ में जा, क्या कह दो कि भाड़ में जाओ कहीं भी, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही रहा है, खुद शराबी इतने दुख में गिरा हुआ है, वो कैसे इस बालक को दुख की भट्टी में झोंक सकता है, उसकी हिम्मत नहीं हुई बालक को बाहर निकालने की। ले बाजी, अब यह चुपचाप घर से झल्ला कर, सॉरी तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, घर से एकदम से चुपचाप होकर बाहर निकल गए, क्योंकि उसको पता नहीं कि आगे क्या करना है, कैसे उसको पालना है या नहीं पालना है या निकालना है, कुछ भी नहीं, बल्कि गुस्से में चला गया। ले पाजी, अब यह लौटूंगा ही नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ इस घर से, तो खुद रह ले इस घर में, मैं वापस नहीं आऊंगा यहाँ पे, खुद चला गया गुस्से में आकर। तू ही इस कोठरी में रहे, शराबी घर से निकला, गोमती नदी के किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी बातें सोचता आ रहा था पर कुछ भी सोच ना सका। गोमती नदी के किनारे तक पहुंचा मकान से, कितनी ही बातें सोच रहा था लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहुंचा, और ऐसे ही चुपचाप बिना कोई फैसला किए गोमती नदी के किनारे आकर खड़ा हो गया है। गोमती नदी किनारे खड़ा हुआ है और आगे देखिए, हाथ मुंह धोने लगा, उजली धूप निकलने वाली थी, वह चुपचाप गोमती की धारा देख रहा था, धूप की गर्मी से सूखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था, किसी ने उसे पुकारा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गोमती नदी के किनारे वो कितनी ही बातों को सोचता रहा था लेकिन कुछ भी फैसला नहीं कर पाया, फिर क्या किया उसने, हाथ मुंह धोया और वहीं पे चुपचाप बैठ गया, जब तक कि धूप के अंदर उसके धोए हुए मुंह और हाथ सूख ना जाए, और सूखने के बाद भी वो चिंता में मग्न था, इसी बीच उसे किसी ने पुकारा, किसने पुकारा, क्यों पुकारा और क्या वो कहने वाला है, हम कल के अध्याय में देखेंगे, शायद कल के अध्याय में ये पाठ खत्म हो जाएगा और मधुआ पाठ किस तरह का है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।